कलयुगी बेटी प्रेमिका ने अपने आशिक के साथ मिलकर मां की हत्या की। प्रेमिका समेत आशिक के विरुद्ध केस दर्ज। पहले बेटी ने आशिक के कहने पर नशीला पदार्थ पिलाया, फिर किया दुष्कर्म। मां को होश आया तो लगा दिया ठिकाने। खंड नूह के गांव अलावलपुर निवासी नौमान ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका बड़ा भाई इजहार ट्रक ड्राइवर है, उसकी एक बेटी मुस्कान है जिसकी उम्र 20 वर्ष है। 8 महीने पहले मुस्कान की शादी समीप के गाँव मलाई में की गई थी। शिकायत में कहा गया कि जावेद के मुस्कान के साथ अवैध संबंध थे। इस बारे में कई बार आरोपित के परिजनों से शिकायत भी की गई थी, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। 3-4 अक्टूबर की रात को जावेद व उसके 2-3 साथियों ने मुस्कान के साथ मिलकर रुक्सीना की हत्या कर दी। नूह के जयसिंहपुर चौकी इंचार्ज का कहना है कि पुलिस ने मृतक के देवर की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। हत्या करने वाले सभी आरोपियों को जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए आगे की ये रिपोर्ट। सर, इसके बारे में हम ये कहेंगे, मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ, हाजी मुबारक लिए मेरा नाम है। ये रिश्ते में मेरी भांजी थी। जब हम मौके पर पहुँचे तो वहाँ पर डेड बॉडी मिली हमने कमरे के अंदर। पब्लिक काफ़ी इकट्ठी हुई पड़ी थी वहाँ, 100-200 आदमी थे। उनसे बातचीत करी गई, फिर मैंने 112 कॉल की। कॉल करने के बाद में प्रशासन आई, पुलिस वाला आए, उनसे बातचीत करी। तो मैंने लड़की से पूछा, बेटी क्या मार जा है, क्या हुआ इसके बारे में। उस लड़की, उसकी जो हमारी सिस्टर बेटी थी, उसकी बेटी ने बताया कि ऐसे कांड हुआ है, किसी लड़के से संबंध है उसके, गलत लड़की के। अब ये पता एक था या दो थे, मैं इस बात को नहीं जानता। उसके बारे में बात पूछा होने के बाद में केस केस मारी, केस केस की सारी वाने लोकेशन हमें बताई कि पहले हमने इसके लिए गोली पिलाई थी, फिर हमने टाइम लिया था 9 बजे आना है, 10 बजे आना लड़के को बुलाने के लिए। फिर लड़की जागी या कहा उसके बारे में मुझे पता नहीं। वो लड़की बता रही थी कि अम्मी की आँख खुल गई थी। फिर उस लड़के ने ऊपर चैट के नहीं, उसके घोंटियों से गला दबाया है, उसे निशान भी थे, यहाँ बता रहे हैं डॉक्टर साहब भी बता रहे थे। फिर पुलिस वाला आ गया, फिर उन्होंने तफ्तीश करी, तफ्तीश में बताया भाई 2-3 लड़के और भी थे। और फिर लड़का ये 2 दफ़ा वहाँ मलाई में दे रखी है, वहाँ भी पहुँचा है 2-3 आदमी को लेके। इस लड़की की शादी कितने दिन पहले? इसको 8 महीने हो गए, तकरीबन 7 या 8 महीने हो गए जी। उसके बाद लड़की यहाँ गई थी, मलाई चली गई थी, मलाई सब शादी थी रावली गाँव में, वहाँ पर आई थी तो 2-3 दिन वहाँ रही। उसके बाद उसकी अम्मी इसको यहाँ ले आई। बस लड़के से उसकी पहले सेटिंग तो थी, लड़के को बुला लिया मौके पे, मौके बुलाने के बाद भी कांड हुई सर। तो क्या कार्रवाई? सर इसमें मदद, सारा गांव हमारे साथ है, ये खड़े सारे लोग हमारे साथ हैं। अब इंशाल्लाह जो भी प्रशासन सच्चाई से काम करे, जो है हम गुनहगार हैं। और सर देखो, लड़की को काल मेरे को पुलिस वाले दे रहे थे, प्रशासन भाई लड़की को घर ले जाओ। सर ये आपकी मुलजिम में क्यों ले जाऊँ, मैं नहीं लेगा उस लड़की को। तो पुलिस वाला मेरे एड बोला आप बाहर चले जाइए, तो मैं सर बाहर आ गया। उसके बाद मैं अंदर गए नहीं अभी तक। तो आप चाहते हो आपको ना सर सजा मिले उन चीज़ों से, जुलम जो किया उसके लिए। और मैं गांव वाले से कह के जा रहा हूँ, मैं तो फरीदाबाद रहता हूँ, इसमें ईमानदारी से काम करो, इनके सजा मिलनी चाहिए, आइंदे के लिए भी ये किसी के साथ ऐसे गलत काम ना करें। ऐसा जी, हमें जो लड़की ना मुस्कान, या मैं यू कुल मिला गया, साजिश ही है लड़का की रिया की, तो यानी यू जास्ती करके रात लोग मार दी घोट के तके वगैरह जी उड़ा सो जब मार दी तो वह मैं गाँव ने पतो पड़ी सुबह ही कहा हाल सोयो, कहा हाल सोयो। गाँव हैरान हो गया बाद में, क्या आगी ऐसे कैसे पता लगे, ऐसे अटेक्स मर गई, कहीं से मर गई। फिर एक और मतलब रिश्तेदार आ गए पूरे छीप ही बाजाएँ, गरीब आदमी भी जा रहे, साथ तो कौम इकट्ठी होगी मर्द बैर बन सब। तो वह में जब मकसद ही छटो भाई, जब रिश्तेदार आ गिन गए, अब बस्ती भी ना आए ऐसी कोई मतलब कहे भाई बुराई भलाई एकदम मेरे ऊपर आ जाए। वो रिश्तेदार खड़े हुए, उनने कहे भाई ये छोरे बुलाओ, छोरी एक मकान में ले गए, हम भी उनके लिए मौजूदा नहीं। वहाँ लोग ने एक नाम ले दिया, कहा नाम वो लड़का जावेद शराफत। अब जब नाम ले दिया तो भाई फिर आग बहन आ गई। तो वह आगे बाद फिर भाई पुलिस रिपोर्ट कर दी, पुलिस हाँ पुलिस रिपोर्ट करिए बाप ने गाड़ी पे कम से कम 2500 किलोमीटर दूर। तो वहाँ जब पुलिस भेज दी तो गाँव और इकट्ठे हो गए। फिर रिश्तेदार पुलिस डैशबोर्ड उठा ली गाँव में, कुछ पता ना मल घुमा कहेगा वो छोरी नहांग होंगे अभी तो बात हमारे पिता ही ना अभी पुलिस पे ही है। लड़की को हिरासत में लिया पुलिस ने? हाँ लड़की को और डैशबोर्ड को नौकरी हिरासत में ले लिया हमारे पे बस्ती पे। कल अप्रोक्सी 11:30 बजे हमारे को सूचना मिली थी गाँव लालपुर में
एक लेडीज की हत्या हो गई है, जिस पर हम मौके पर पहुंचे थे तो वहां पर पाया था कि रुखसाना नाम की लेडीज है, दरवाले का नाम इजहार है, तो वो सुबह डेड पाई गई थी उन घर वालों को। तो उसका जो पति इजहार है वो बाहर गाड़ी पे होना पाया गया है, लेकिन उसका जो देवर है उसने हमारे को एक शिकायत दी थी कि जो रुखसाना की लड़की मुस्कान है उसके किसी गांव के ही किसी लड़के के साथ अवैध संबंध थे। तो रात को जब वो लड़का आया था तो उस लड़के ने और उसकी जो लड़की है मुस्कान ने, उन दोनों ने मिलकर उस लेडीज की हत्या की है। तो अभी सर इस मामले में कितने लोग गिरफ्तार हुए? अभी तक इसमें दरखास्त उन्होंने दी है तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया है, क्योंकि पोस्टमार्टम उसका जारी है, बोर्ड गठित करवा दिया गया है, अभी तक किसी की कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा? बेसिकली अभी ये दो आदमियों के खिलाफ दर्ज हुआ है, एक तो लड़के के खिलाफ और एक उसके जो लड़का था उसके खिलाफ। तो हो चुकी है, हम भरसक प्रयास कर रहे हैं इस चीज के लिए और जहाँ तक होगा एज सुन एज पॉसिबल।